जोड़ो यात्रा ये तो आकलन आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। हम लोग तो, मेरे को तो यही समझ में नहीं आया कि भारत जोड़ना क्यों, क्योंकि टूटा कहाँ से है। जोड़ने की बात तो तब आएगी ना, कहीं टांग टूटी तो प्लास्टर चढ़ाओ, तो मतलब टांग टूटी उसका एक्सरे होगा, फिर कहाँ टूटी तो एक्सरे के बाद में जोड़ेंगे ना उसको। तो पहले ये तो बताओ कि भारत टूटा कहाँ है। टूटा है जब पाकिस्तान बना, तो वो तो राहुल गांधी के नाना के समय पर टूटा है। नाना या दादा? दादा के समय पर टूटा है। हाँ, दादा के समय पर टूटा है, जवाहरलाल नेहरू जी के समय पर। और हमने तो जोड़ लिया टूटे हुए को, 370 धारा हटा दी हमने, तो हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं एक्चुअली। जब अमित शाह जी ने गृह मंत्री होने के बाद धारा 370 हटाई, तो जोड़ने का काम हमने किया। अब अगर राहुल सिंसियर हैं कि भारत जोड़ो, तो एक चीज़ जोड़ना बहुत ज़रूरी है, वो है पाक अधिकृत कश्मीर। इसलिए मैं बैतूल से ही आपके माध्यम से राहुल जी को संदेशा भेजती हूँ कि भारत जोड़ने में एक चीज़ अभी शेष है, और वो है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो कृपया इस यात्रा को वहाँ तक ले जाइए और उसको जोड़ के ही वापस लौटिएगा, नहीं तो मत लौटिएगा, इधर उधर ही रहिएगा। राहुल की दाढ़ी, दाढ़ी, अरे मैं इस तरह के कमेंट नहीं कर पाती हल्के। कमलनाथ जी, ये बहुत पर्सनल मैटर है। कमलनाथ जी ने कहा है कि आने वाले जो 23 का जो चुनाव है मध्यप्रदेश के लिए हानिकारक होगा, कांग्रेस बहुमत से जीतेगी कांग्रेस, उनका ये कहना है, और जो CM है वो भी कांग्रेस का ही बनेगा। तो इसमें मैंने आपको पहले धरती पकड़ की बात नहीं बताई, तो मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ, मेरे को कुछ नहीं बोलना है। हम देखिए, मोदी जी ने हम लोगों को एक बात कही, और हम शुरू से मानते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत सम्मान होना चाहिए। अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं है तो वो स्वस्थ विपक्ष नहीं है। फिर इसलिए विपक्ष अगर कोई बात कहता है तो हम हर बात में उनकी निंदा करें, उनका अपमान करें, उनकी हंसी उड़ाएं, ये लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। संविदा कर्मी पिछले 20 दिनों से हड़ताल पे हैं और सरकार उनकी कुछ सुन नहीं रही। मैं इस, मेरा सच में उनके लिए दिल भर आता है, क्योंकि हमने उन पर फूल बरसाए थे और अब हम लाठियां बरसाने की स्थिति ले आए हैं। मैं इस मामले में पूरी तरह से, जो लोग कोरोना काल में सेवा में लगे हुए थे और आज उनको जो परेशानियां आ रही हैं, उनका निदान जरूर निकलना चाहिए। मैं शिवराज जी से बात करने वाली हूँ इस संबंध में। लोधी समाज के कार्यक्रम में एक वो वीडियो वो जो है ना, वो उसी को सुनते रहो आप बार बार, क्योंकि उसका मैं कुछ खंडन मंडन कर नहीं सकती हूँ, वो एज इट इज़ है, उसमें कोमा फिलोस्टॉप भी ज्यों कहते हूँ, ठीक है। और इसी तरह से राजा को सेवा से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, तो भाजपा राजा है अभी, हमें सेवा से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कमलनाथ जी, और रही शिकायतों की बात, तो वो तो बनी रहेंगी, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मध्य प्रदेश ने कुछ क्षेत्रों में तो आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, ऑर्गेनिक खेती में, सिंचाई की योजनाओं में, लाडली लक्ष्मी योजना में, और कन्या विवाह योजना में, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में। मेरी इच्छा है कि शराब, देखो मेरी इच्छा में एक अंतर आ रहा है ना, मैं वो हूँ जो चाहूँ तो शराब का नामो निशान दुनिया से ही मिटा दूँ, लेकिन मैं मान जाती हूँ, गम खा जाती हूँ आप लोगों के मानने पर कि दीदी इतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ एक नियंत्रित वितरण प्रणाली हो। अच्छा, आप पता तर्क क्या देते हैं, क्या हुआ बिहार में बंद थी शराब, तो देखो जहरीली शराब से लोग मर गए, यहाँ तो बंद नहीं है ना शराब, तो मेरे नाम में लोग क्यों मर गए फिर जहरीली शराब से। UP में तो बंद नहीं है ना शराब, तो प्रतापगढ़ में लोग क्यों मर गए जहरीली शराब से। ये जहरीली शराब का जो माफिया है ना, ये अलग है, इसका संबंध शराबबंदी और नहीं बंदी से नहीं है, ये अलग माफिया है जो पनपता है, और इसके पीछे पुलिस प्रशासन, नेता, विधायक, सांसद सब उनकी जेब में पड़े होते हैं, तो इसका संबंध बताओ कहाँ है। तो इसलिए मैं इस बात को मान गई हूँ, तो मेरी इच्छा यही है कि मध्य प्रदेश शराब नीति में भी मॉडल बन जाए। कमलनाथ जी ने बोला, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।